नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो। और हरियाली से जुड़ना हम सबका एक उद्देश्य हो चुका है, और हरियाली से जुड़ना एक हमारा नेचर की तरफ जाना होता है, जो कि हमें एक प्रकृति की तरफ जोड़ता है, जो नई ऊर्जा और नई चीज हमें प्रदान करता है। एकदम शुद्ध वायु, पेड़ पौधों को लगाना और हमारी आंखों को फूल, पेड़ पौधे, ये हमें ग्रीनरी की बहुत जरूरत है। और हमारी जो आसपास का पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। तो आज मैं आपको गुलदावरी के बारे में बताने वाली हूँ। गुलदावरी के पौधे को ट्रांसप्लांटेशन कैसे की जाए और कैसी मिट्टी, कैसी सोयल में लगाया जाए, किस प्रकार से उसको, और कैसी उसमें मतलब खाद वगैरह डाली जाए, क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, और किस प्रकार से मैं लगाती हूँ, अपने तरीके से मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे गुलदावरी के पौधे हैं। तो ये पौधे जो मेरे गुलदावरी के हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके अंदर बर्ड आई हुई हैं ये कलियाँ। और एक देखिए, मैंने आपको बताया था कम से कम ये कितनी छोटे बड़े ये फूल ये आ चुके हैं। और इसका एकदम ऑरेंज सा पीच कलर है ये मेरे पौधों इसका फ्लावरिंग का। तो एक देखिए, अभी थोड़े दिन बाद कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो जाएगी। और ये एकदम मेहरून कलर है, एकदम रेड कलर के जैसा। तो ये मेरे पास ये कई कलर हैं, ये देखिए, ये भी पीच कलर है और ये मेहरून वाला है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम रेड कलर ये। तो ये देखिए कितनी बर्ड कितने ये आए हुए मेरे इसमें बहुत अच्छे से। ये देखिए इधर से फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, उधर की साइड सूरज आता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने फूल है, मैं गिन भी नहीं पाऊंगी कितनी इसके अंदर बर्ड आई हुई है ये। तो मेरे पास ना आज मैं किसकी ट्रांसप्लांटेशन करने वाली हूँ, मैं येलो कलर की करने वाली हूँ। मेरे पास ये व्हाइट वाला भी है और ये मेरे पास चार पांच कलर है गुलदावरी के अंदर, और मेरे पास ये येलो नहीं था तो आज मैंने येलो भी लिया है। तो मैं उसकी ट्रांसप्लांटेशन आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर आ रहे हैं। अब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ये। और ये देखिए, ये मेरा व्हाइट वाला है, तो गर्मियों में मैं बचा के रखती हूँ बहुत अच्छे से। इनको बचाने का तरीका भी मैं आप सबको बताने वाली हूँ, किस प्रकार से इनको गर्मी में कैसे बचाया जाए, कैसे इन्हें शेड में रखा जाए, कितनी इनको जैसे लू वगैरह चलती है, इतनी गर्मी होती है ऊपर टेरिस पे, किस तरह से इनको रखा जाए बचा बचा के। मैंने आपको अपने हर पेड़ से मिलवाया है और किस प्रकार उनके अंदर फ्लावरिंग और बर्ड आई हुई है, आप देख के भी आपका भी दिल खुश हो गया होगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ। जो मैं ये नेचुरल चीजों के अंदर ही बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। मेरा कहने का मतलब ये, नेचुरल चीजों से जुड़िए और नेचुरल चीजों को अपनाइए, जिससे हमारे पर्यावरण भी एकदम आसपास का शुद्ध रहे और अच्छी ऊर्जा मिले और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागे पेड़ पौधे और फूलों से। चलिए अब हम चलते हैं अपनी पीली गुलदावरी की तरफ और जिसकी हमें ट्रांसप्लांटेशन करनी है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने परचेस किया था, ये पौधा बिल्कुल छोटा सा है, इसमें ज्यादा बर्ड भी नहीं है, चार पांच ही बर्ड हैं। तो अब मुझे इसको पिच भी नहीं कर सकती इस पौधे को, क्योंकि अब तो इनका फ्लावरिंग का समय हो चुका है। अब जितने भी इसमें फूल आएंगे चलो अच्छा है, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये पेड़ बना रहे और जो जितने भी फूल आए हेल्दी आए, और आगे के लिए मैं इसको बचा के रखूंगी जो बहुत सारे अच्छे से मेरा पेड़ बना रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरी किचन कम्पोस्ट वाली मिट्टी है और मैं इसी के अंदर अपने पौधे लगाने वाली हूँ। तो इसमें हमें क्या मिलाना है, ये मेरी सरसों की खली है, पाउडर बनाया हुआ है मैंने सरसों की खली का। तो मैं ये तीन चार चम्मच इसके अंदर, इतनी मिट्टी के अंदर मैं डाल देती हूँ। ये मैंने सरसों की खली डाल दी है। अब इसमें कोई बैक्टीरिया फंगस वगैरह न लगे तो इसके लिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी इसके अंदर। ये कोयले की राख है, मैं यही डालने वाली हूँ इसके अंदर, बस मैं यही चीजें डालती हूँ जिससे मेरे पौधों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। अब इसको मैं मिला देती हूँ, बस यही चीजें मुझे डालनी है अपने किचन कंपोस्ट के अंदर। और अब मैं इसको मिला के तैयार कर लेती हूँ
क्योंकि नेचुरल चीजों में जो चीजें बहुत अच्छी आती हैं, यानी कि ग्रोथ अच्छी होती है, हरियाली अच्छी होती है, केमिकल के पौधे जल्दी खराब भी हो जाते हैं, बर्न भी होते हैं। पर आप देख सकते हैं मेरी कोई पौधे या पत्तियां कोई भी हमारे मतलब गार्डन की कोई भी खराब नहीं है। तो बस यही रीजन है, नेचुरल चीजें बहुत ही अच्छी होती है अपने स्वास्थ्य के लिए, जैसे अच्छी होती है उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये चीजें हमें अपने नेचुरल चीजों में ही अपने पौधे उगाने चाहिए, चाहे फ्रूटिंग के हों, चाहे सीड से उगाओ, आप जैसे भी उगाओ आपका आपका मन है, चाहे सीडलिंग वाला उगाओ, चाहे ये वाले उगाओ लाके खरीद के। तो जो भी चीजें डालनी है नेचुरल चीजें डालो। तो ये देखिए मैंने इस ये बड़ा वाला पोट लिया है, कम से कम ये 12 इंची का पोट होगा, और इसके अंदर मैंने ये जो ड्रेन रोल है उसके ऊपर मैंने ये पत्थर रख दिए हैं, कंकर जितने भी मुझे डालने हैं। अब मैं इसमें नीचे मेरे पास ये कुछ मेरे सब्जी के छिलके पड़े हुए हैं, मैं ये डाल दूंगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। और अब ये जो है नीचे सड़गल के बैठ जाएंगे और खाद भी बन जाएगी इनकी। तो मेरा तो यही तरीका है, चाहे सूखी पत्तियां हो सड़ी गली, बस वही डाल देती हूँ नीचे। अब ये नीचे बैठ के जाएंगे और खाद बनती रहेगी, और नीचे से भी मेरे पेड़ पौधों को एनर्जी मिलती रहेगी। सबसे बढ़िया तरीका मेरा ये है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये मिट्टी डाल देती हूँ इनके ऊपर, और मिट्टी डाल के अच्छे से इसको बिठा दूंगी, जैसे कि मिट्टी बाहर ना निकले पानी डालने पे। यही मेरा सबसे बढ़िया तरीका है पौधे लगाने का, और मैं ऐसे ही लगाती हूँ और कोई मेरे पौधे खराब नहीं होते। ये लोग कहते हैं फंगस लग गया ये, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इसी नेचुरल तरीके से लगाएं। ये मैंने इसमें अपने पॉट के अंदर ये मिट्टी भर दी है। अब मैं इसे पौधे को निकालती हूँ। ये देखिए एकदम एकदम प्लेन मिट्टी में लगाते हैं, पता नहीं क्या वो केमिकल वगैरह डालते हैं, और पौधे हमारे ये। अब मैं अपनी उसमें मिट्टी में लगाऊंगी, तो मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा देती हूँ, ज्यादा नहीं हटाने वाली हूँ, कभी इसकी रूट डैमेज हो जाए, बस हल्की हल्की हटा दूंगी, जिससे कि हमारी मिट्टी में ये पौधा सर्वाइव करे और अच्छी ग्रोथ हो इस पौधे की भी। तो बस ये हल्की 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 हटा देती हूँ ऊपर से, जो इसकी रूट हमारी जो मिट्टी डालेंगे उसमें चले अच्छे से। कितनी अच्छी इसके अंदर ये रूट आई हुई है, ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया। तो अब मैं इसको इस तरह से यहाँ बिठा देती हूँ इसे बीच में इस प्रकार से, और अब ये जो हमारी ये मिट्टी है मैं इसको मिट्टी को डाल देती हूँ इसके अंदर। ये देखिए ये टूट चुका है मेरा, चलो मैं इसको लगा दूंगी। ये मेरी एक कली टूट गई है, हो जाता है ना ऐसे, तो ये भी हो जाएगी, कोशिश करती हूँ अगर हो जाएगी तो मैं इसको पूरी तरह से लगाने की कोशिश करूंगी इसमें, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ऐसे हो जाता है कभी कभार तो हम इसकी भी कटिंग को लगाना भी सीख जाते हैं इस प्रकार से। अरे ऐसे ही लगाएं तो जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छे से पकड़े, अच्छे से हमारे ये सर्वाइव करे पौधे। तो ये हमारा पेड़ अच्छे से लग के एकदम तैयार हो चुका है। पीली गुलदावरी का नहीं था मेरे पास, पीली गुलदावरी का भी आज मुझे मिल गया है। तो इसी प्रकार आप भी अपने पेड़ पौधों को इसी तरीके से लगाएं और बढ़िया फ्लावरिंग पाएं, बढ़िया ग्रीनरी पाएं। तो ये मैंने इसको इतनी अच्छी सी मिट्टी के अंदर बढ़िया सा लगा दिया है, और इसको भी मैं इसी में टच कर देती हूँ, देखती हूँ ये होता है कि नहीं होता है। लगाते लगाते ना काफी एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना, तो वही है। तो ये देखिए मैंने इसको लगा दिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हल्की हल्की वॉटरिंग कर देते हैं। ये मेरे पास
बनाना फील का फर्टिलाइजर रखा हुआ है, मैं वही डाइल्यूट हुआ, मैं वही 2 कप पानी इसी के अंदर 2-3 कप इस पौधे मिट्टी के अनुसार डाल देती हूँ। ज्यादा मिट्टी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हल्की थोड़ी थोड़ी डालूंगी इसके अंदर, सर्दी का भी मौसम है। वैसे ये मेरा पौधा लग के तैयार हो चुका है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी दी, मिट्टी में क्या मिलाती हूँ, किस प्रकार से लगाया जाए और किस ढंग से लगाती हूँ, पॉट के अंदर क्या भरती हूँ और डेरेनिजोल को कैसे ढकती हूँ, मैंने जो छोटी छोटी जानकारियां दी। इसी प्रकार से आप भी अपने पौधों को लगाइए, उनकी ग्रोथ बढ़ाइए और हरियाली को भी बढ़ाइए। फ्लावरिंग तो मिलेगी तभी जब हरियाली बढ़ेगी। तो ये आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको मेरी जो नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।